आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज तीन अंकों वाली संख्या का सबसे इजी तरीके से कैसे हम उसको तीन गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी तीन अंकों वाली संख्या को ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। मान लो कि हमने दो अंक लिए हैं, कोई भी दो नंबर ले लिए हैं तीन अंकों वाले, और उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले हमको इसका रूल जानना होगा, हमें सबसे पहले दो अंकों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहले वाले दूसरे दो अंकों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, फिर पहले वाले से आखिरी वाला, पहले नीचे वाले से पहला आखिरी वाला, ऊपर वाला आखिरी वाला, फिर दोनों बीच वाले, फिर पहले दो अंकों को एक दूसरे के क्रॉस में उसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और फिर पहले दो अंक ऊपर नीचे वालों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये हमारे लिए थंब रूल है, इसके रिगार्डिंग हम आगे देखेंगे कि आंसर आता है कैसे। सिर्फ तीन सेकंड में आप किसी भी तीन अंकों वाली संख्या का गुना कर सकते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम अंक 6 और 9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 54। यहाँ से 4 को इधर रख लो और शेष बच जाएगा 5, और फिर आएगा हमारा क्रॉस वाला। ये दोनों पहले क्रॉस वाला ले लेते हैं, 2 और 9, इसका हो जाएगा 18, ये क्रॉस हो जाएगा फिर से 18। अब ये तीनों का सम ले लेते हैं, हो जाएगा 41। इसमें से एक को इधर रख देते हैं, शेष बच जाएगा 4। फिर ए पैटर्न आएगा हमारा, इसको हम करेंगे ए वाला 3 और 9, हो जाएगा 27। फिर आएगा 6 और 4, हो जाएगा 24। फिर आएगा बीच वाला, बेचारों का मल्टीप्लिकेशन, हो गया 61। अब यहाँ से एक को इधर रख देते हैं, बच जाएगा 6 शेष। ये भी कंप्लीट हो गया। अब पहले दो वाले, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहले इस दोनों का ले लेते हैं, फिर ए दोनों का। अब ए शेष बच गया है, ये तीनों का ले लेते हैं हम सम, ये तीन को हमने इधर रख दिया, ये दो बच गया शेष। अब फिर पहले वाले दो अंक, हो जाएगा 12 और 2 14, इसको हम सीधा रख देंगे इधर, तो ये आ गया हमारा आंसर 143,114। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगर हम ये फॉर्मूला जान ले विद इन 3 सेकंड हम इसका आंसर ला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।